लेसन फाइव कविता अगर अगर ना साबुन होता कैसे मैल छुड़ाती माई, कलम ना होती तब शायरी से कैसे लिखते भाई, अगर आग की खोज ना होती कैसे भोजन पकता, भैया अगर न खोजा जाता कैसे वाहन चलता, अगर न सूरज एक दिशा से रोज डूबता उगता, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का फिर पता न चलता, अगर समय की याद दिलाने वाली घड़ी न होती, भैया शायद कभी न जगते दीदी मुंह ढक सोती, अगर बीज से पेड़ न उगते पेड़ न बीज उगाते, बीज पेड़ के गोरख धंधे का हम राज न पाते, पहले आई मुर्गी या फिर अंडा आया पहले, अगर प्रश्न यह हल कर पाओ हम नहला तुम दैले। इसके कवि हैं डॉक्टर मधुकांत। बच्चों इसमें यही कविता कह रहे हैं कि ये तमाम जो चीज़ें जिनसे हमारा जीवन जो है आसान हो गया है, सुलभ हो गया है, अगर नहीं होती तो हमारा जीवन दुष्कर होता, जीवन जीना बहुत मुश्किल होता या असंभव भी होता। तो अगर जैसे साबुन नहीं होता तो हम शरीर का मैल नहीं छोड़ा सकते थे, अपने कपड़े नहीं धो सकते थे, जो सफाई से संबंधित घर हैं, अपना घर है, बर्तन वगैरह है, वो साफ नहीं कर पाते, और शाही नहीं होती तो हम लिख नहीं सकते थे। और अगर आग नहीं होती तो हम अपना भोजन नहीं पका सकते थे, और तमाम हम ये जितना भी सामान देखते हैं, चाहे हमारे बर्तन हैं, चाहे व्हीकल्स हैं, तमाम जो चीज़ हमें नज़र आती है जिनको इंसानों ने बनाया है, तो ऐसे नहीं बनी है, उनको आग से गला करके फिर उनको सांचों में डाल करके फिर बनाया, ये सब नहीं हो पाता। और अगर पहिए का आविष्कार नहीं होता तो जो वाहन है, ट्रेन है, हमारे बस कार, जो बाइक्स हैं, वो सारे के सारे चल ही नहीं पाते। और सूरज अगर एक दिशा में नहीं उठता और एक दिशा में नहीं छिपता, अलग कभी पूरब से कभी पश्चिम कभी उत्तर, तो हम दिशा ध्यान नहीं होता कि कौन सी पूरब है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है और कौन सा पश्चिम है। और अगर घड़ी नहीं होती तो हम कभी भी, कहते हैं ना टाइम का पंक्चुअल है, अपना काम समय पर नहीं कर पाते, और साथ समय पर काम नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ होती, बड़ी मुश्किल हो जाती। इसी प्रकार से और प्रश्न है कि पूछा जाता है क्या पहले पेड़ हुआ या बीज था, तो इनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीज से ही जब पौधा बनता है तो पेड़ बनता है, और पेड़ जब बनता है तो उसमें फल आते हैं और उनमें बीज आते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर असंभव से हैं। इसी प्रकार पहले मुर्गी थी या अंडा था तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुर्गी अंडा देती है, अंडे को हैच किया जाता है तो उसे चूजा निकलता है और चूजा ही मुर्गा या मुर्गी बनता है। और इसी प्रकार से तो ये आंसर जो है वो बड़े मुश्किल है। थैंक यू जी।